हेलो दोस्तों लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ आज मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल है बहुत ही हाई है जी हाँ आज मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार लैपटॉप लेके आया हूं जी हाँ एचपी ओमेन अब आप कहोगे इसमें धमाकेदार क्या है देखिए अभी तक हमने जितने भी लैपटॉप अनबॉक्स किए टेंथ जनरेशन इलेवन ट्वेल्थ जी हाँ ये मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं अपनी फोर्टीन जनरेशन लैपटॉप के साथ और वो भी ओमेन में जी हां एचपी ने अभी 9 जनवरी 2024 में लॉन्च किया है अपना ओमेन लैपटॉप फोर्टीन जनरेशन के साथ या अभी तक किसी ने भी फोर्टीन जनरेशन में लॉन्च नहीं किया था एचपी ने लॉन्च कर दिया है इसके जो अभी हमारे पास वेरिएंट आए हैं वो दो वेरिएंट आए हैं दोनों ही जनरेशन में है एक फोर्टी सिक्सटी और फोर्टी सेवनटी अलग अलग ग्राफिक्स के साथ है दोनों ही लैपटॉप की वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओम एन डब्ल्यू जी वन ये आई 7 14 जनरेशन है 14700H प्रोसेसर 16GB रैम 1TB SSD और 8GB DDR6 4060 Nvidia RTX ग्राफिक्स के साथ तो दोस्तों आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह लैपटॉप हमें दिया है HP इंडिया ने और जिस डीलर के थ्रू हमें यह लैपटॉप मिला है वो है दिल्ली के अंदर करोल बाग में ओमेन प्ले ग्राउंड जी हां ओमेन लैपटॉप है ओमेन प्ले ग्राउंड एचवी वर्ल्ड ही इस स्टोर का नाम है यहां पे आपको गेमिंग लैपटॉप सारे गेमिंग लैपटॉप्स मिल जाएंगे साथ में एचपी की ओर सीरीज इंस्पेक्टर एनवी भी आपको यहां पे मिल जाएगी बेटर रेट पे तो ये लैपटॉप वहां से अनबॉक्स होने के बाद ये कंपनी के पास वापस चला जाएगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैं एक बार फिर कहूंगा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा आगे भी आने वाली जो वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है नए नए लॉन्चिंग कंपनीज कर दी जा रही है हम सबकी वीडियो कोशिश करेंगे सबकी वीडियोस आपके लिए लेके आए तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स वैसे तो हम हर लैपटॉप को खोल लेते हैं लेकिन आज मेरा मन कर रहा है ये लैपटॉप मैं आपके सामने ही अनबॉक्स करूं ये देखिए कितना बड़ा लैपटॉप है ये इसके अंदर हम यहां पे चेक करते हैं पावर एडेप्टर बहुत ही हैवी पावर एडेप्टर है अगर हम बात करेंगे वॉट की तो 280 वॉट का पावर एडेप्टर है राउंड पिन में पावर कोड देखिए कितनी हैवी पावर कोड है इसमें और लेंथ भी ज्यादा है इसकी इसमें मैनुअल है जो इसी में हम छोड़ देते हैं बाकी और कुछ बॉक्स में नहीं है देखिए 16 इंच में लैपटॉप है लैपटॉप का वेट अप्रोक्सीमेटली 2.4 पॉइंट फोर के जी है गेमिंग लैपटॉप है वो भी ओमेन सीरीज में तो वो नेचुरल है हैवी होता ही है सबसे पहले हम इसका बैक साइड ही देख लेते हैं जैसे हम बाकी ओमेन्स में देखते हैं वेंट और रबर ग्रिप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हैं ओमेन लैपटॉप है तो आपको कभी भी शक होना ही नहीं चाहिए इसकी बिल्ड क्वालिटी में बहुत ही जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी है जो एचपी ने अपने इस लैपटॉप में डाली है एक हाथ से ओपन करता है ओपन हो गया अगर अगर आप वॉबलिंग की बात करेंगे तो आपने देखा होगा वॉबलिंग हमें बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिली है एक बार फिर से हम चेक करते हैं इसकी वॉबलिंग कितनी है देखिए हमने जहां छोड़ा ये वहीं पे ही रुक गया अगर बिल्ड क्वालिटी अगर हम देखें इसकी देखें तो ये जबरदस्त लैपटॉप है देखिए काफी कोशिश करिए स्लीकनेस स्लीक Ness, बन, बनाने की कंपनी ने इस लैपटॉप को आप ये मत कहिएगा कि जो एनवी आते हैं वो ऑलरेडी बहुत स्लीक होते हैं ये गेमिंग लैपटॉप है गेमिंग लैपटॉप के अकॉर्डिंग काफी स्लीक है तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को बूटअप करते हैं इसके पोर्ट्स देखते हैं फिर इसकी कॉन्फिगेशन देखेंगे कहीं मत जाइएगा इतने महंगे लैपटॉप का बैक पैनल भी हम आपको ओपन करके देंगे ब्रांड न्यू लैपटॉप है अभी 9 जनवरी को ही ये लॉन्च हुआ है और हम आपके लिए आज ये वीडियो ले आए हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं के पोर्ट लैपटॉप के लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो आपको यूएसबी टाइप ए फाइव जीबीपीएस सिंगलिंग रेट के साथ एक ही पोर्ट मिलता है और कोई भी पोर्ट नहीं है और वेंटिलेशन है दोस्तों लैपटॉप के राइट साइड में आपको देखते हैं तो वेंटिलेशन है और आपको तीन पोर्ट दिखाई देते हैं जिसमें से दो तो है हमारे टाइप सी फाइव जीबीपीएस सिग्नलिंग रेट के साथ यूएसबी पावर डिलीवरी पोर्ट वन पॉइंट फोर एचपी स्लीप एंड चार्ज इसके अंदर आपको मिलता है और एक आपको मिलता है कोम्बो जैक हेडफोन माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए देखिए ओमन लैपटॉप है लैपटॉप के बैक साइड में भी आपको पोर्ट मिलेंगे इसके अंदर यहां बैक साइड में भी आपको चार पोर्ट मिलते हैं जिसमें से जो फर्स्ट पोर्ट अगर आप देख रहे हैं वो है हमारा चार्जिंग के लिए उसके साथ में आपको प्रोजेक्टर कनेक्ट करने के लिए और एक साथ में आपको मिलता है टाइप ए फाइव जीबीवीएस सिग्नलिंग रेट के साथ तो दोस्तों क्वान देखते हैं मेरा एक्साइटमेंट लेवल आज कुछ और ही है इस लैपटॉप की कॉन्फिकेशन देखते हुए इस की वीडियो हुए। अगर हम की बात करें तो कोर आई सेवन है लेकिन मैक्सिमम जो इसकी है वो है फाइव पॉइंट फाइव गीगहर कोर्स आप देखेंगे ट्वेंटी कोर्स जी हाँ एट परफॉर्मेंस कोर है ट्वेल्व एफिशियंट कोर है यानी जो परफॉर्मेंस कोर हमारे है एट वही फाइव पॉइंट फाइव तक जाएंगे जो हमारे कोर्स हैं ट्वेल्व वो थ्री पॉइंट सेवन गीगा तक जाएंगे लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो ट्वेंटी एट है और एल थ्री कैशे की बात करेंगे तो थर्टी थ्री एम बी एल थ्री कैशे है इस प्रोसेसर के अंदर देखिए बहुत ही हेवी प्रोसेसर है अगर मैं जो बात कर रहा हूँ इस प्रोसेसर की सिक्सटीन जी बी डी डी की रैम दी है एच ने इसमें स्लॉट दो हैं दो के तो यूज्ड हैं इनबिल्ट वैसे गेमिंग गेमिंग है है आप लोगों को पता ही है, गेमिंग के अंदर आपको, आप कि आपको इसके अंदर एस एस डी मिलती है जिसकी कैप्सिटी आपको नाइन फाइव फोर जीबी है एक जीपी आपका यूएसडी ग्राफिक्स है जो इनबिल्ट होता है जैसे कि हर लैपटॉप में है ये हमारा मेन है एनवीडिया जी फोर आरटीएक्स फोर जीरो सिक्स जीरो एट जीबी डीडिया सिक्स जी हाँ जो इस लैपटॉप की जो खास बात है वो दो है एक हमारा प्रोसेसर फोर्टीन जनरेशन सेकेंड हमारा ग्राफिक्स आरटीएक्स फोर जीरो सिक्स जीरो एट जी बी डीडिया सिक्स जो हमें इसमें लैपटॉप में मिलता है अब इसका आपको टी जी पी भी दिखाते हैं अगर हम इसकी टी जी पी देखते हैं तो वन फोर्टी वाट जी हाँ वन फोर्टी वाट टी जी पी आपको इस ग्राफिक्स की मिलती है दोस्तों जो वॉइस अभी आप कॉन्फिगेशन के समय सुन रहे थे वो वॉइस हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड की थी जिससे आपको इस इस माइक माइक की की लैपटॉप के भी रिस्पॉन्स टाइम आईपीएस है माइक्रोवेज है एंटी ग्लेयर है लो ब्लू लाइट है ब्राइटनेस की बात करें तो थ्री हंड्रेड ब्राइटनेस है कलर कलर ट की बात करें हंड्रेड परसेंट एसआर जीबी स्क्रीन रिजोल्यूशन ट्वेंटी बहुत कुछ है इसके डिस्प्ले में वैप कैमरे की बात करते हैं एचपी ट्रू विजन टेन एट्टी पी फुल एच डी कैमरा रिडक्शन के साथ इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन भी आपको इसमें मिलेगा और प्राइवेसी शटर भी आपको इस, इस वेब कैम में मिल जाता है कीबोर्ड देखते हैं फुल साइज फोर जोन आठ जीबी बैकलिट कीबोर्ड शेडो ब्लैक कलर के साथ 26 की रोल ओवर एंटी घोस्टिंग की टेक्नोलॉजी के साथ आपको इसका की मिलता है तो चलिए दोस्तों 14 जनरेशन लैपटॉप ओमेन इसका बैक पैनल ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस करे हैं कंपनी ने लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है देखिए गेमिंग लैपटॉप तो देख है, है। जीबी की डीडीआर फाइव रैम सैमसंग की रैम लगी हुई है दोनों आप रिमूव कर सकते हैं रिमूव करके आप नई रैम लगा सकते हैं देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको दो एस एस डी के कवर दिखाई दे रहे हैं जिसमें राइट right वाली में जो ये वाली एस है इसके नीचे तो वन टीबी आपकी लगी हुई है और एक पोर्ट और है जहां पे आप एस लगा सकते हैं अगर आप बैटरी देखेंगे तो ये बैटरी आपकी यहां पे देखने को मिलेगी वर्क आवर्स की बैटरी है और अगर आप यहां पे देखिए फैन के नीचे हीट सिंग नीचे आपको वाईफाई दिखाई दे रहा है वाई फाई सिक्स ई और ब्लूटूथ टूथ फाइव आपको यहां पे मिल जाएगा दो स्पीकर लगे हुए हैं दो दो वॉट के यहाँ पे बैटरी के दोनों तरफ दो आपको स्पीकर दिखाई दे जाएंगे देखिए अगर हम बात करेंगे तो रैम गेमिंग लैपटॉप में अपग्रेड हो जाती है हर गेमिंग लैपटॉप में हमने देखी है जिसमें रैम अपग्रेड होती है इसमें आठ आठ जीबी की रैम लगी हुई आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं आप सोलह सोलह जीबी या बत्तीस बत्तीस जीबी की दो लैम उसमें और कर सकते हैं इनको रिमूव करके लेकिन और एस भी हमने देखा एक वन टीबीडी लगी हुई और एक स्लॉट खाली है यानी एस एस डी की, की अपग्रेडेशन में इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखिये जो आज हमने ओपन किया है वो है ओमेन डब्ल्यू एफ वन जीरो टू फाइव टी एक्स लैपटॉप अभी तक हमारे पास फोर्टीन जनरेशन का लैपटॉप ये फर्स्ट आया है अभी तक कोई भी लैपटॉप हमने 14 जनरेशन में नहीं देखा है और HP ने सीधा 14 जनरेशन अपनी गेमिंग सीरीज के अंदर लॉन्च किया देखिए इसकी कॉम्पिटीशन हमने आपको दिखाई i7 14700H X प्रोसेसर हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है 16 जीबी रैम हमने देखी DDR5 1 TB SSD देखी ग्राफिक्स देखा हमने 8 GB DDR6 4060 Nvidia RTX देखिए हमने स्क्रीन भी देखी है जब हम गेमिंग लैपटॉप देखते हैं ना तो हम उसके साथ स्क्रीन जरूर देखते हैं जैसे कि हमने इसमें देखा 165 Hz की इसमेंट एस आर जी बी के साथ तो देखिए अब मैं इसका रिव्यू अगर मैं करूं और मैं कमी इसकी निकालू तो मैं ये सोच रहा हूं मैं कहा निकालू कि कंपनी ने इसमें क्या नहीं दिया देखिए जो भी गेमर्स को चाहिए या जो भी ग्राफिक डिजाइनर्स को चाहिए या हम बात करें जो भी वीडियो एडिटिंग आज की डेट में यूट्यूब काफी फेमस हो चुका है आप भी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसमें भी लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं रेंडरिंग करते हैं उनको भी ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए होता है जो ये लैपटॉप है अब मैं अगर कमी भी निकालू तो मैं क्या निकालू ठीक है एचपी ने अपनी पीछे ट्रांसेंड सीरीज लॉन्च की थी ओमिन के अंदर उसका वेट 2.1 पॉइंट के जी था ये 2.4 पॉइंट के जी है ये जरूर मैं कमी निकाल दूंगा 300 ग्राम ऊपर कर दिया लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा हाई एचपी ने इस लैपटॉप को बनाया है तो देखिए अगर आपका आपकी जो वर्किंग है वीडियो एडिटिंग हो आपने थ्री मैक्स पे काम करना हो मतलब मैं क्या करूं आपने जो भी वर्किंग करनी है आप ये लैपटॉप ले सकते हैं मुझे इस लैपटॉप में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही ना ही कोई वॉबलिंग की वॉबलिंग है इसकी स्क्रीन के अंदर वन फोर्टी इसका ग्राफिक कार्ड है तो अगर आपको यह सारी वर्किंग करनी है तो आप ये लैपटॉप मार्केट से ले सकते हैं 9 जनवरी को लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइसिंग की भी अगर मैं बात करूं तो एचपी ने बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखा है इससे पहले भी हमने अनबॉक्स किया था और ट्रिपल जीरो जो ने टू लाख टेन थाउजेंड को लॉन्च टू, टू लाख टेन था उसके अकॉर्डिंग ये लैपटॉप कंपनी ने सिर्फ वन लाखेंड में लॉन्च किया है जी हाँ मार्केट के अंदर देखिए अब ये मार्केट में अवेलेबल होगा धीरे धीरे आपको तो मार्केट में मिल जाएगा तो अगर इस प्राइसिंग के अंदर मैं ये कॉन्फिगेशन देखूं तो ये बहुत ही जबरदस्त है आज की डेट में एचपी इसके साथ वन ईयर ऑन साइट वारंटी आपको देता है अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप वो भी एक्सटेंड कर सकते हैं जब भी आप किसी भी ओमन प्लेग्राउंड स्टोर या एचपी वर्ल्ड पर जाएंगे तो वहां पे आप जरूर पूछिएगा कि एक्सटेंडेड वारंटी का अभी क्या प्राइस चल रहा है टाइम टू तो टाइम तो एचपी ऑफर देता रहता है और अगर आप इसके साथ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन यानी टूट फूट की वारंटी लेना चाहे तो वो भी आपको एचपी स्टोर पे मिल जाएगी मैं हर बार की तरह आपको फिर भी यही कहना चाहूंगा जब भी आप एक्सटेंडेड वारंटी या एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन यानी टू फूट की वारंटी लें तो आप हमेशा एचपी से ही लें क्योंकि एचपी की ही वारंटी आपको इजीली मिल जाएगी जिसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता थर्ड पार्टी वारंटी में आपको एक तो वारंटी काफी डिले करके मिलेगी और उसमें आपको पार्ट पेमेंट भी करनी पड़ेगी जबकि एक्सटेंडेड वारंटी साल का लेते हैं तो तीनों साल तक आपको एक रुपया भी पे नहीं करना है आपको वारंटी मिलेगी और अगर ये आपको लैपटॉप लेना है तो मैं तो यही कहूंगा जो आपके नियरेस्ट ओमेन playground है या एचपी वर्ल्ड है जैसे दिल्ली के अंदर हमें यह लैपटॉप मिला है ओमेन playground जो दिल्ली एनसीआर का वन एंड ओनली हाइब्रिड स्टोर है जहां पे आपको ओमेन uh, लैपटॉप या विक्ट लैपटॉप एनवी स्पेक्टस सारे रेंज आपको मिल जाती है एक बार आप प्राइस जरूर देखिएगा और जो भी जितनी भी एचपी की ऑफर्स होती है वो सारी आपको मिलती है तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा देखिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है जब भी नए लैपटॉप आते हैं तो कंपनी से लैपटॉप लेना नए लैपटॉप होते हैं उनको बैक पैनल ओपन करना नए नए लैपटॉप आपके लिए वीडियो बनाना तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है कि आपके लिए और नए नए लैपटॉप की वीडियो आपके लिए लेके आते आए और सबसे बड़ी बात है हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये लैपटॉप कहां तक अपग्रेड हो सकता है उसमें क्या रैम के स्लॉट्स है या नहीं है एस एस डी है यानी लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखा देते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे अगली वीडियो में ओमिन के ही एक नए लैपटॉप के साथ जो पोर्टिंग जनरेशन है डिफरेंट ग्राफिक कार्ड के साथ तब तक के लिए जय हिंद